Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video I am going to discuss some good tips how to improve your reading skill and how to learn new words to hike your reading band score. Because many of the students are doing the monotonous work of solving the reading passages again and again. But the thing is that what thing they have to prefer first that they are avoiding, or maybe they are not aware to do it. Very first is I am going to start with some mistakes which students are making when they are preparing for the reading skills. If you like my videos and my tips, please like, subscribe and share my YouTube channel. Very first mistake is that they keep reading passages again and again, but never able to understand or never able to try to understand the whole meaning, the theme of the passage. Basically, when students start reading the passage, most of the words they are aware, but there are each and every passage, there are certain words which are new for them. They never put underline or never try to find out the meaning of that particular word. Basically, ये common mistakes होती हैं because they start reading the passage, new words आते हैं, words का meaning नहीं पता है, तो they stuck in that sentence. उसको solve नहीं कर पाते, तो वहीं के वहीं वो repeat में reading करते रहते हैं, instead of try to find out the meaning of that particular spelling. या तो फिर उसको guess करने की कोशिश भी नहीं करते कि इसका meaning क्या होगा. Basically, whenever you are stuck in certain type of scenario, you have to try to find out what is the meaning of that sentence. पहले की line, दूसरी line और तीसरी line, अगर आप तीनों line एक साथ पढ़ोगे, तो उसका थोड़ा बहुत meaning आपको समझ में आने लगेगा. ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड के dictionary meaning आपको पता हो. कई बार आपको तुक्का लगाना पड़ता है. You have to fluke out the आंसर. अगर एक पैसेज के अंदर आपके पास 10 से 15 ऐसे न्यू वर्ड मिलते हैं जिसका मतलब आपको पता ही नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट करेक्ट आंसर. क्योंकि वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, ऑब्वियसली आपको पैराग्राफ ही समझ में नहीं आएगा. पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है वो नहीं पता चलेगा. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर आप रीडिंग पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहले रीडिंग करते समय ही अंडरलाइन कर लो कि कौन कौन से वर्ड आपको नहीं आते हैं. आपको एक चीज़ अंडरलाइन ये करनी है कि मेन की फीचर्स जो आते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उसको अंडरलाइन करो, और जो वर्ड आपके लिए न्यू है उसको सर्कल बनाते जाओ, ताकि आप एट द एंड जब आपका ये पैसेज प्रैक्टिस करना ख़त्म हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि एक पेज पे कम से कम आपके 5 वर्ड न्यू है या 10 वर्ड न्यू है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा वॉकेब पावर इतना वीक है, मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. और आफ्टर रीडिंग व्हेन यू फिनिश्ड एवरीथिंग एंड बैंड अगर नहीं आ रहे, आपके राइट आंसर नहीं आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करो कि उसका पूरा एक लिस्ट बनाओ नोटबुक के अंदर, या तो उसी पेज के अंदर जहाँ पर आप अपने वो वर्ड का मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है उसको फाइंड आउट करो. सेकेंड मिस्टेक्स आर लाइक दैट दे आर यूजिंग द लोकल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वर्ड. मैं स्ट्रिक्टली ये मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट यूज़ सच डिक्शनरी जो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में मीनिंग बताती है. क्योंकि इंग्लिश वर्ड के आप हिंदी मीनिंग या गुजराती मीनिंग या पंजाबी मीनिंग फाइंड आउट करोगे, तो वो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं. वो एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं होते, वो सिमिलर मीनिंग बताते हैं. तो आपको फाइंड आउट करना है कि डिक्शनरी में आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ही सर्च करो और वही यूज़ करो, ताकि उससे आपका वोकैब पावर इंक्रीज होगा. सेकेंडली, जब भी आप जो भी न्यू वर्ड सीखते हो या न्यू वर्ड आपके माइंड में आता है, तो उसको पहले मीनिंग ढूंढो, फिर उसको यूटिलाइज़ करो कि सेंटेंस में उसको कैसे बना सकते हैं. और जब पैसेज में उसको दिखाया गया है या पैसेज में उसका यूज़ किया गया है, तो उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है.
अदरवाइज ये होगा कि पैसेज वो वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में कुछ हो और होगा और आपके पैसेज में उसका मीनिंग कुछ और होगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मीनिंग तो डिक्शनरी में ये है बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में उस पैसेज में यूज हुआ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है समझने के लिए. अनदर मिस्टेक दे आर मेकिंग दैट दे डोंट डू द एक्स्ट्रा रीडिंग. They are just trying to solve the IELTS passages of reading task. Here it is being monotonous. वो boring हो जाता है. आप एक घंटा non-stop बैठोगे 60 मिनट में आपको 2700 words reading करने हैं 40 questions के answer ढूंढने हैं. So it is very very boring thing to do. And in all four skills, reading is the most boring thing to do. तो उसको आप ऐसे लाइटली मत लो कि मैं एक घंटे में एक कर लूँगा एक दिन में तीन कर लूँगा. ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है कि आप एक सिटिंग में एक टास्क कुछ घंटे कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो आपको डिवाइड करना है कि जब आप बहुत फ्रेश मूड में हैं आप ईजी और लाइट मूड में हैं तब वो रीडिंग टास्क करो जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है. यहाँ पर जो मैं टिप दे रही हूँ वो ये है कि यू कैन सी वन पेज ऑन माय स्क्रीन. यहाँ पर एक पेज दिया हुआ है मैंने. यहाँ पर देखिए मैंने ये अगर आपका पैसेज है रीडिंग का पैसेज है उसको आप रीड कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड विच इज़ न्यू फॉर यू एंड उसके बाजू में आप नंबरिंग दे दो 1, 2, 3 करके. हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट इज़ हिट मी बाय सरप्राइज. This is actually expression. ये expression है जिसका मतलब शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए for example मैंने वहाँ पर 1 number दिया है. Second word है miserable. वहाँ पर मैंने 2 number दिया है. Third is drizzle. उसके बाजू में third and fourth is slim chance. In this page 4 new words are there. और उसके मीनिंग अगर नहीं पता है तो आपने ऐसे नंबरिंग कर दिया है. पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर थोड़े हमको लाइन मिल जाता है मार्जिन मिल जाता है जहाँ थोड़ा स्पेस होता है और सेम वे नीचे के साइड पे भी मार्जिन होता है जहाँ पर हमारे पास जगह होती है उस वर्ड का मीनिंग लिखने के लिए. देन आई सजेस्ट कि आपको उस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में फाइंड आउट करो और जो उसका मीनिंग है या तो वो लिखो या तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो अपने हिसाब से उसका मीनिंग नीचे नोट डाउन कर लो नंबर देके. जैसे यहाँ पर मैंने दिया है वेरी फर्स्ट इज पहला जो वर्ड था हिट मी बाय सरप्राइज उसका मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा है समथिंग हैपन्स व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और सडनली वो हो जाता है तो वो इसका मीनिंग होता है हिट मी बाय सरप्राइज. तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि इसका मीनिंग ये है. सेकंड वर्ड है मिजरेबल. मिजरेबल का मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अनहैप्पी अनकंफर्टेबल अनप्लेजेंट और वेरी सिक और अनवेल. सेम वे थर्ड मीनिंग है ड्रिजल. ड्रिजल का मीनिंग है लाइट रेन विथ स्मॉल ड्रॉप्स. वो रिमझिम बारिश जो होती है उसको कहते हैं ड्रिजल. तो यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स दिए हैं. 3 वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट किए हैं इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में और सेम आई हैव रिटन डाउन इन द पेज. सो व्हेन एवर आई विल गेट फ्री टाइम और व्हेन आई विल डू माय रिवीजन दैट टाइम आई विल कम टू हियर एंड अगेन आई विल रीड दिस पैसेज. दैट टाइम आई डोंट नीड टू फाइंड आउट डिक्शनरी मीनिंग एंड वेस्ट माई टाइम ऑन माई सेकेंड रीडिंग. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मीनिंग लिखे होंगे तो मैं जब भी टाइम मिलेगा उसको रिवाइज करूँगी उसको मेमोराइज करने की कोशिश करूँगी कि ये वर्ड का मीनिंग ये है. फिर उसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में और उसका एक सेंटेंस बना लो. इससे ये होगा कि ये वर्ड और उसका मीनिंग आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगा और ये ना तो सिर्फ आपके रीडिंग के पैसेजेस में बट वो आपको स्पीकिंग में लिसनिंग में और राइटिंग में भी बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक वर्ड अगर आपने रीडिंग पैसेज में से सीखा है तो वो लिसनिंग में और स्पीकिंग में यूज़ नहीं होगा. इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है. वो चारों के चारों स्किल में आपको बहुत फ़ायदा करेगा. तो दिस इज़ अनदर वे कि आपको बार बार किसी वर्ड का मीनिंग नहीं मिल रहा है या नहीं पता है तो आप उस वर्ड को सीखो. अगर वर्ड आपको नहीं आते हैं वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आपके लिए IELTS एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा.
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वर्ड आना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपको हिंदी में पता होता है, गुजराती में पता है, पता पंजाबी में पता होता है कि मुझे इस तरह से बनाना है सेंटेंस, या इस फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस करना है अपनी लोकल लैंग्वेज में. बट उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में कौन से वर्ड से एक्सप्रेस करना है वो नहीं पता होता है. तो ये मेथड आपके लिए बहुत कारगर रहेगी कि आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो यही वर्ड यूज़ करके आप क्यू कार्ड में बोल सकते हो, स्पीकिंग के पार्ट वन और पार्ट थ्री में भी ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, राइट. यहाँ पर मैंने फोर्थ का मीनिंग नहीं दिया है, तो ये आपके लिए आज का टास्क है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ फोर्थ नंबर का मीनिंग जो है, जो कि है स्लिम चांस, उसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका मीनिंग लिखना है और आप खुद से एक सेंटेंस बना के कमेंट में शेयर कीजिए. होप आपको ये टेक्निक, ये मेथड अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगेगी. प्लीज़ ट्राई इट आउट एंड गिव मी योर सजेशन कि आपको क्या फील होता है कि ये हेल्पफुल है कि नहीं है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे.